हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है हम लोग हुंडर में। तो यहाँ पे अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, तो अभी हम लोग जाने वाले इधर ही पास में ना एक कैमल राइड का रहता है, और यहाँ के कैमल को दो हम्प रहते, अपने इधर कैसे सिंगल हम्प वाला रहता है, वैसे इधर दो हम्प वाले कैमल रहते। तो कैमल राइड करने वाले फिर वहाँ से कौन सा तो भी शायद कुछ तो है वो मॉनेस्ट्री वगैरह, तो उधर जाने वाले, और फिर वहाँ से हम लोग निकलने वाले आज पैंगोंग लेक के लिए। तो चलो फिर जर्नी स्टार्ट करते। पहले तो मैं आपको घर के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपने। तो ये देखो यहाँ से व्यू, ये गंदा दिख गया पहले व्यू में। तो ये था अपना रेसोर्ट, रापसल रेसोर्ट। तो अभी तो रेडी हो गए, तो अभी निकलने की तैयारी चालू है। मेरा लुक ये है, अल्फिया ने जो कॉर्ड सेट गिफ्ट किया था मुझे वो पहनाऊ। तो अभी तो तैयारी हो गई है मेरी, तो बाकी भाई लोग रेडी हो रहे, फिर निकलते हैं। आप तन्नू भाई भी अभी तक रेडी नहीं है, नहीं तो मैं तन्नू भाई का मुंह दिखाता था अभी आपको। अच्छी प्रॉपर्टी थी, अभी जाने की तैयारी गड़बड़ चालू हो गई। अभी जल्दी से बैग बिग भरते, मस्त अच्छे से सामान लगाते और निकलते। तो भाई कौन राइडिंग कर रहा है आज? मेन राइडर तन्ने, मेन राइडर चला रहा बोल। और दूसरी बाइक आपला शेष भाई चला रहा है, मैं एंडियर चलाऊंगा, तन्नू भाई फॉर्च्यूनर चला रहा है। भाई ये जरा बताओ, ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन किसके लिए लिए थे अपन ने? जिसको ये कम मिलते हैं ऑक्सीजन, हाँ तकलीफ होता है, कैसे इस्तेमाल कर दे इसके लिए। ये बाजू वाले के लिए लिए थे ना अपन ने? ये और ये दिखा मेरे को, दिखा भाई, फ्री ऑक्सीजन कम हो रहा है। अरे दे, वो क्लियर भी बोल रहा है, उसकी बात भी नहीं। ए वहां का कर दे, गिर दे, तब सुना है क्या करे काज मान कैसे क्या क्या होता है, और आपको भी दिखा दे। फिर आ गए इधर, यहाँ का तुम नजारा देखो ना यार, मतलब चारों तरफ पहाड़ है, और यहाँ बीच में इतना सैंड एरिया है पूरा। वहाँ पे भी आगे भी पूरा सैंड है, इधर भी सैंड है पूरा। हाँ तेरा नज़ारा दिखा रहा भाई। देखो गाइस, फिर मैं आपको अभी यहाँ पे कैमल दिखा दो डबल हम्प वाला। ये देखो चलो क्रॉस करो जल्दी, इतने लोग रुके ले टूटने का नहीं तो। ये जो जगह है ये 4000 फीट ऊपर है सी लेवल से, और ये पूरे स्नो माउंटेन से मतलब कवर्ड है, मतलब ये बाजू में पूरे स्नो माउंटेन है, मतलब विंटर्स में पूरे स्नो भरा हुआ रहता है इधर, और यहाँ पे पूरा सैंड रहती है, और यही ये कैमल लोग का मतलब घर है, मतलब इधर ही वो कैमल लोग रहते, बैक्टेरियन कैमल्स बोलते हैं उसको। पर गाइस बैड लक, यहाँ पे आके देखा अभी तो ये कैमल राइड जो रहती है शाम को 4 बजे वगैरह चालू होती है, और अभी दोपहर के बज रहे 1 बजे हम लोग इधर आए, तो अभी तो एक भी कैमल नहीं। हम लोग ने देखा पूछा, पर अभी तो नहीं है कोई भी कैमल। तो मतलब कैमल्स तो है इधर ऐसे, पर जो रहता है उनका बांधा हुआ सीट बीट वो सब नहीं है, तो इसलिए अभी तो कैमल राइड कैंसिल हो गई फिर अपनी। देखो पास से दिखाता हूँ आपको, पर ये एग्रेसिव हो गया ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी। राइडर लोग अपने निकल गए गाइस। फिर यहाँ से अभी हम लोग कैमल राइड हमको नहीं मिली, और यहाँ से आप व्यू देखो कितना भारी, पूरा सैंड और इधर पानी, डोंगर, सैंड, पानी, ग्रीनरी, मतलब और क्या चाहिए इधर। ये अपना भाई क्यों रुका है? शेषा भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया? लगा ना फिर आराम से। नेक्स्ट लोकेशन अपने को जाने है उधर, अभी अपन हेड दिस वे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे रुके गाड़ी में डीजल भरने के लिए, और ये गाड़ी में भी अपने हवा वगैरह चेक कर रहे भाई लोग, क्योंकि हवा कम हो गई थी। हो रही है क्या? एक तो चली तो चांद तक, नहीं तो चौक तक आईसी मशीन है। नसीब हो गया।
ऊपर विलेज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर भी 40 रुपीज एंट्री टिकट है, फिर वो टिकट लेने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। वेलकम टू मैत्रेया बुद्धा 106 फिट। फिर आ गए हम लोग इधर, मैत्रेया बुद्धा की मूर्ति है इधर, तो ये देखो पीछे से ऐसा लुक है। तो अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर से भी दिखाते हैं आप लोगों को। लैंड क्रूजर मस्त से कुछ पत्थर ये करके रखते, कुछ तो रहता है, मेरे को भी नहीं मालूम। आगे गाइज अभी ऊपर बहुत ही चल के आना पड़ा। इधर अभी ऊपर टेम्पल है तो हम लोग जाके आए उधर, तो अभी यहाँ से आपको मैं आगे का लुक दिखा दूँ। बाकी एम भाई प्रणीत गाड़ी में ही बैठे, एम भाई बोला तुम जाके हो, मैं नहीं आ रहा। प्रणीत भाई तो आ गया, प्रणीत भाई दिख गया, मोहन नहीं आए। फिर हो गया, अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ले, और अपने को फिर से अभी जाते हो खारदुंगा पास लगेगा, तो अभी निकलते जल्दी से और फिर डायरेक्ट ले जाएंगे, और फिर कल का प्लान कैसा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कल पैंगोंग इंशाल्लाह। अभी रुका है इधर वापस रास्ता थोड़ी देर के लिए, अपने दो राइडर देखो कैसे रुके आगे। गाइज अभी घाट चालू हो गया है और यहाँ पे क्लाइमेट देखो 31 डिग्री दिखा रहा है। अभी ऊपर टॉप पे गए ना अपन, फिर देखते हैं अपन कितना डिग्री दिखाता है। कल तो हम लोग थे तब 3-2 डिग्री तक तो दिखा रहा था, आज देखते कितना रहेगा। भाई का लुक देखो ना, मतलब ये क्या क्या करके एक आधा यहाँ पे मिलिट्री वाले ने देख लिया तो बोलेंगे ये कौन से कहाँ से आया है इधर, कोई तो भी घुसा है लगता आपने इधर। भाई अभी ऊंचाई आने वाली है तो भाई लोग इधर तैयार हो रहे ले, वापस थर्मल वगैरह पहन के रेडी हो रहे, क्योंकि अभी भी कम हो गया टेम्परेचर और अभी ऊपर जाने का तो और कम होएगा डेंजर। क्या क्या तैयार क्या हो रहा है ये ऐसा, क्या बात, अभी झुकेगा भी नहीं। क्या बोला झुकेगा भी नहीं, मेरे को झुकाएंगा साला, मैं झुकूंगा नहीं साला। ले बाबा ले, मैं पुष्पा। भाई लोग ऑन फायर, फुल राइडिंग चालू है भाई। सिटर लेके आए ले भाई, खतरनाक रास्ता देखो कितना मौज दिखता है यहाँ से। इतना ठंडा नहीं है यार, अभी कल बहुत ठंडा था यहाँ से। इस फिर से एक बार हम लोग पहुंच गए हैं खारदुंगला पास, ये देखो और अभी रुकने नहीं वाले हम लोग, डायरेक्ट अभी आगे बढ़ गए। और इतनी ठंडी नहीं है, मैं आपको बोला था नीचे 30 डिग्री तक था, 29-30 और अभी 17 डिग्री ऊपर। कल उल्टा अच्छा था, कल तो 2 डिग्री तक चला गया था, हम लोग आए थे तो सुबह आए थे ना, इसलिए फिर रहेगा था। नीचे देखो गाइस अपना तत्व भाई और शीशे भाई। A few moments later. इस फिर अभी हम लोग आ गए फिर से ले मार्केट, और हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर के लिए ऊपर, करीम से इधर, तो फिर जाते हैं अभी ऊपर डिनर करते मस्त। अभी यहाँ पे बैठे हम लोग ऊपर खाने के लिए मस्त, और यहाँ से ऐसा मार्केट का व्यू है नीचे। तो गाइस हो गया खाना खाके, और सीरियसली आज तो खाना खाके ज्यादा ही मजा आ गया, मस्त था खाना, अच्छा लगा ना, बढ़िया एकदम। देखो फुल शांत हो गया 10 बजे, इनको मालूम ही नहीं हम लोग दुकान में, अभी रिएक्शन देखते हैं इनका। क्या चाहिए भैया? बैलगाड़ी। तुम आगे चलो, पीछे गाड़ी लगा देता, हो गया। बैलगाड़ी नहीं है भैया इसमें। भाई ने अब भी यहाँ से थोड़ी सॉल की शॉपिंग की, और माशाल्लाह यहाँ के भाई इतने बाहरी थे ना, मतलब बहुत मजा आया उनसे बात करके। तो अभी निकल गए हम लोग, और अभी जाते अपने होटल पे।